अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से मैंने प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। जैसे ही मैं मार्केट से आई, मैंने वीडियो शूट किया बच्चों के, जो ड्रेसेस वगैरह लेके आई थी उसकी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से बस सारे घर को समेटा, तैयारियां शैरियां की हैं और छोटी मोटी सी पैकिंग करनी थी वो की है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए ही जा रहे थे। तो इसके बाद फिर हम निकल आए थे। 7:20 पे हमने अपना सफर शुरू किया था। रास्ते में रुके, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। पहले हमारा दिल कर रहा था कोई फ्रेश जूस पी लें, लेकिन वो हमें सही नहीं लगा। फिर हमने एक बकाला था, साथ ही शॉप थी, वहां पे चले गए। वहां से हमने कुछ जूस पानी बच्चों को चीजें वगैरह लेके दी। हमारा प्लान बन चुका था कि हम फ्राइडे की सुबह 9 बजे निकलेंगे और उसके बाद शाम के टाइम हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अचानक ही इन्होंने मुझे ऑफिस से फोन कर दिया कि जब तक मैं घर हूँ आप लोगों ने तैयार रहना है, बस हमने आज ही निकलना है, बुकिंग मैंने करवा ली है। बस ऐसे ही फिर अचानक से आनंद फानंद सारी तैयारी जो मैंने सुबह करनी थी ना, सुबह निकलना था, वो मुझे इसी टाइम करनी पड़ी और इसी दौरान फिर मुझे एक दो चीजें घर पे ही भूल गई थी। जिस होटल में इन्होंने बुकिंग करवाई थी वहां हम लोग अभी आ चुके हैं, चेक इन करते हैं, फिर मैं आपको भी सारा दिखाऊंगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में, पहली दफा मैं भी इस तरह के होटल में जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इतना लग्जरी होटल नहीं देखा, कभी भी मैं इस तरह के होटल में पहले नहीं गई थी। तो इसीलिए फिर मैं आपको भी हर चीज डिटेल में दिखाऊंगी, खुद भी पूरा एक्सप्लोर करूंगी, बहुत सारा फन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल से। खैर, अभी हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है, अभी हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं नीचे बेसमेंट में, वहां पार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना होटल के अंदर ही नीचे बेसमेंट में पार्किंग की जगह है। अच्छा, अभी हम लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में और बिलाल के बाबा गए हैं रिसेप्शन पे कार्ड लेने के लिए और पेमेंट करने के लिए। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाए, लेकिन कोई इश्यू आ रहा था इसलिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई। वहां पे हमें शो हो रहा था एक रात का जो रेंट है ना, यहाँ का वन नाइट स्टे का रेंट है 500 और ऊपर कुछ पैसे थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए हैं तो जो हमारे रूम की बुकिंग थी ना उसका था 1100 रियाल। अच्छा, फिर मुझे तो बड़ी टेंशन हुई, मैंने कहा 1100 रियाल एक रात के स्टे पे आपने लगाना है, तो इससे बेहतर नहीं है हम किसी और होटल में जाके 200-300 का रूम अच्छा सा ले लेते और रह लेते। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सा मैंने अरेंज किया हुआ है, ये मैंने तुम्हें एक सरप्राइज देना था, बहुत देर से मैंने सोचा हुआ था, तो चलो इसीलिए फिर मैंने ना ये सारी अरेंजमेंट्स की हुई थी, तो आज बस हम इधर स्टे करेंगे और कहीं भी नहीं जाना। जब हमने चेक इन किया, कार्ड वगैरह ले लिया, तो उसके बाद फिर हम एक दफा बाहर निकले थे और जाके मोसना के लिए डायपर्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि मैं वो घर पे भूल गई, मैं लेके नहीं आई थी। इतनी जल्दी जल्दी मैं सारी तैयारी की कि मुझे 2-3 चीजें घर पे भूल गई थी। अच्छा, उस टाइम ना 2 बज रहे थे और सारी मार्केट्स वगैरह बंद होने वाली थी, बस लास्ट पे हमारा ही काउंटर था जब हमने पेमेंट की है, चीजें ली है, उसके बाद सब बंद हो गया। अच्छा, ये रही मैं और यहाँ हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ 5-स्टार होटल्स के रूम कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, आप साथ साथ ब्लॉग देखें, मैं कुछ और डिटेल्स भी आपको बता देती हूँ। हमारा जो रूम है ना, इसका हमने 1100 रियाल पे किया था, वो इसलिए क्योंकि हमारे रूम से और सिटिंग एरिया से सामने जो विंडो है ना, वहां से पूरा सी व्यू नजर आता है। अगर आपने ऐसा रूम लेना है जिसमें सी व्यू ना हो, तो वो आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा, यानी कि 500 या 550 में वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड करवाया था, तो ब्रेकफास्ट के लिए ना 100 रियाल 1 पर्सन का लेते हैं। दोनों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, इसलिए 200 रियाल उसके, 900 रियाल हमारे रूम के, इस तरह हमारा 1100 रियाल बना था। अच्छा, इसके अलावा इसमें बहुत मजे मजे की जगह भी हैं इस होटल में, आप बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हैं, बड़ा फन कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मेरे बच्चे वॉशरूम देख के बड़े एक्साइटेड हो गए थे। जिस वॉशरूम में बाथटब होता है ना, उसको देख के तो बस बिलाल की जान में जान आ जाती है, इतना खुश होता है बाथटब देख के, इसको बड़ा मजा आता है यहाँ नहाने का। और यहाँ देखे मोजना अपनी मस्तियों में लगी हुई है, ये बड़े मजे करते हैं, ये बड़े एंजॉय करते हैं, हर जगह जहाँ भी हम इनको लेके जाते हैं ना, ये पूरे करके आते हैं अपने पैसे। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना बचपन में, हमें कभी दादा के घर लेके जाते थे अम्मी अबू, या कभी किसी खाला के घर, तो वो सारी रात खुशी से हमें नींद नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी फूफो के घर जब जाना होता था ना, तो सारी रात बार बार उठ के टाइम देखती थी, कितना टाइम रह गया सुबह होने में। हमारे लिए ना वही सबसे ज्यादा खुशी का टाइम होता था। जब हम अपने बच्चों का टाइम देखते हैं ना, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजरों से बचाएं। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ को सही एंजॉय किया, इनके लिए तो ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है।
बहुत बातें कर ली मैंने, अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे पेस्ट ब्रश भी हैं और इसके अलावा ये जो शेविंग के लिए चीजें यूज होती है ना, वो भी रखी हुई थी। कॉटन बर्ड्स भी हैं, ये शॉवर कैप है, जब भी आपने नहाना हो बाल नहीं गीले करने तो आप ये पहन लें। इसके अलावा ये कॉटन पैड्स हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना छोटा सा, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत क्यूट लगा था, जिसमें ये सारी चीजें रखी हुई हैं। और ये है जी सैनिटरी बैग, अच्छा इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये देखें जी, ये मैनिक्योर सेट भी है, अगर आपने अपने नेल्स वगैरह क्लीन करने हैं, सेट करने हैं, तो उसके लिए ये छोटा सा मैनिक्योर सेट दिया हुआ है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी, बहुत मजे मजे की इंटरेस्टिंग चीजें थी। इसके अलावा ना हर जगह पे टिश्यूज और टॉवल्स बहुत ज्यादा थे, हर जगह पे, जहां आप जाए ना, वॉशरूम में बाथटब के पास भी टॉवल है, यहाँ सिंक के पास अलग से टॉवल है, वॉशरूम में अलग टॉवल है, हर जगह जगह पे आपको टॉवल ही टॉवल मिलेंगे। ये टैप दूसरी तरह चलती थी लेकिन मैं समझी ये सेंसर वाली है। और ये देखें, ये नीचे कबर्ड्स भी हैं, इसमें भी आप अपने कुछ वॉश करने वाले कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से है बाथटब, और यहाँ पे जगह जगह सोप, लोशन, शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीजें जगह जगह पे रखी हुई थी। अच्छा, एक चीज मुझे इनकी समझ नहीं आई यार, इन लोगों ने यहाँ वॉश बेसन पे इन लोगों ने ये पानी और ग्लास क्यों रखे थे? मैं तो कभी वॉशरूम में ऐसा सोच भी नहीं सकती कि कोई खाने पीने वाली चीज हो, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये ग्लास और पानी वगैरह यहाँ रखा हुआ था, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। अच्छा, ये देखें जी, ये नहाने के बाद जो पहनते हैं ना, ये वाला कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे था, और ये इस तरह से वॉशरूम, ये सारी चीजें, अच्छा मैंने आपको दिखा दी। वॉशरूम की ही इतनी डिटेल वीडियो बन गई थी कि आगे बंदा क्या करे। अच्छा, इस वॉशरूम के ना दोनों तरफ से डोर थे, बाहर वाली साइड पे भी जाते हैं आप तो आपको आराम से वॉशरूम आने के लिए दरवाजा मिलता है, बेडरूम से भी एक दरवाजा है जहां से आप सीधा वॉशरूम में आ सकते हैं जी। ये है बहुत खूबसूरत सा इसका सिटिंग एरिया, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से सोफे पड़े हुए हैं, नीचे पूरा वुडन फ्लोर है। वुडन फ्लोर देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब आप चलते हो ना, खड़प 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 की आवाज बहुत ज्यादा आती है। ये देखे कितनी प्यारी पेंटिंग लगी हुई है, ये सामने बहुत बड़ी सारी विंडो है लेकिन अभी अंधेरा है, आपको सामने सारा समंदर वगैरह नहीं नजर आ सकता, तो इसलिए मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। ये देखे यहाँ पे इस तरह का ना एक ओवल शेप में टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे टिश्यूज भी है, बारकोड स्कैन करके आप यहां पे पूरी फैसिलिटीज वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात को भूख लगे ना तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये आपको खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़ी सारी एक एलसीडी पड़ी हुई थी। इसके अलावा जी अभी चलते हैं रूम में, रूम में पड़ी हुई है ये बहुत बड़ी सी कबर्ड, यहाँ पे एक और कॉस्ट्यूम है जो नहा के पहनते हैं वो वाला। इसके अलावा साथ ही यहाँ पे पड़ा हुआ है एक आयरन स्टैंड और साथ ही आयरन भी दी हुई है, अगर आपने अपने कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं ना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पहली दफा मैंने देखा है कहीं आयरन स्टैंड पड़ा हो साथ आयरन भी पड़ी हो। और यहाँ ऊपर एक दिया हुआ है पिलो, एक्स्ट्रा पिलो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से उठा के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे देखें, ये है जी सबसे ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ, यहाँ पे आप अगर लेना चाहते हैं ब्लैंकेट एक्स्ट्रा तो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जायनमाज है, ये देखें जी, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए ना आपके पास एक बॉक्स भी है, आप यहाँ पे अपनी चीजें रख सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे आपको मिलेगा हेयर ड्रायर, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे स्विच वगैरह भी मिल जाएंगे, यहाँ पे ही लगाएं, यहाँ पे यूज करें और ऐसे ही वापस रख दें। ये देखें यहाँ पे स्विच वगैरह साथ ही दिए हुए हैं। और इसके अलावा एक और ड्रॉ है लेकिन ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये कुछ और चीजें थी, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, आपको पता हो तो आप मुझे जरूर बताना। अच्छा, इसके नीचे रखे हुए हैं स्लीपर्स, यहाँ पे कपल के लिए हर चीज दी हुई है, हमने अपना कपल के हिसाब से ही रूम बुक करवाया था तो इसी हिसाब से हमें हर चीज प्रोवाइड की गई थी। यहाँ से ये देखें जी, ये भी दरवाजा है जो सीधा वॉशरूम में जाता है, सिटिंग एरिया से भी दरवाजा आता है वॉशरूम के लिए और रूम से भी, जहां से मर्जी आप इंटर होना चाहें आप इंटर हो सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे एक साथ ही पड़ा हुआ है ये स्टैंड, यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। और ये देखें, ये इस तरह से है बेड और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शायद वीडियो में इतना क्लियर ना पता चल रहा हो लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी मेरे हस्बैंड इसके ऊपर लेटे हुए तो मैं इनको उठा नहीं सकती, ये बहुत थके हुए हैं, ऑफिस से सारी ड्यूटी वगैरह करके हमें लेके आए हैं, तो मैंने इनसे कहा चलो आप लेटे रहो, मैं ऐसे ही सारा व्यू ले लेती। साथ ही एक छोटा सा दीवान पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मुस्नब लाल कब्जा करके बैठे हैं, एक कह रहा है मैं सोऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं सोऊंगा। यहाँ सामने बैठने की जगह भी है और अंदर भी एक एलसीडी है, एक बाहर सिटिंग एरिया में एलसीडी लगी हुई है और एक अंदर बेडरूम में भी लगी हुई है। और साथ ही यहाँ पे साउंड सिस्टम भी पड़ा हुआ है, ये कबर्ड्स वगैरह सारे ड्रॉर्स खाली है। और यहाँ देखे कितना क्यूट सा एक मिरर लगा हुआ है। और यहाँ देखे ये जो वेस्ट पड़ा हुआ है ना, इसमें ये जो स्टिक्स है ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी,
बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन किया हुआ था इन लोगों ने पूरे रूम का। और यहाँ देखें, यहाँ पे भी एक फोन पड़ा हुआ है, अगर आपने कोई सर्विस वगैरह लेनी है तो ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको स्विच वगैरह लगाने की जगह भी मिलेगी, वहीं पे आप बैठे हैं अपना लैपटॉप पे कुछ काम वगैरह करना है कर लें, अपना मोबाइल चार्ज करना है तो वो भी कर लें। तो इस तरह से ना हर जगह को इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा फैसिलिटेट किया हुआ था। और यहाँ देखें, ये है जी फ्रिज, छोटा सा फ्रिज है, बहुत क्यूट सा। ये मुझे एंड पे पता चला था कि ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो बायर वाला टीवी है ना उसके नीचे पड़ा हुआ था। यहाँ देखे, 7 अप, पेप्सी, कुछ जूस वगैरह है, पानी है। तो ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं थी, ये हमने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। और आपको पता है कॉफी भी हम शौक से नहीं पीते, तो ये सारी चीजें हमारे लिए कोई काम की नहीं थी। और ये देखें जी, ये विंडो है, ये रात को अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं नजर आ सकता। तो अभी मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। ये हो गया जी मॉर्निंग टाइम, हमने रात बहुत मजे से इंजॉय किया, रेस्ट किया। और उसके बाद सुबह के टाइम जब हम उठे है ना, तो ये था सामने सी व्यू, यहाँ पूरा ये देखें आपको समंदर ही समंदर नजर आएगा। और मुस्कान इतनी खुश हो रही थी देख के, इसका बस नहीं चल रहा विंडो से छलांग मार के नीचे उतर जाए। अभी हम बच्चों को फ्रेश करते हैं, चेंज वगैरह करवा के चलते हैं डाइनिंग एरिया में, और जाके मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो खैर जी, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये इतना बड़ा सारा केक, जिसको देखते ही आपकी गर्दन मुड़ जाएगी। दोनों तरफ से इसकी डिफरेंट डिफरेंट लुक थी, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो चलें जी अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मर्जी की टी कॉफी वगैरह बनवाते हैं और पीते हैं। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं। और ये है इनसाइड द किचन, ये अंदर आपको जो सारा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे खाना गर्म होता है। अगर आपने कुछ स्पेशल ऑमलेट वगैरह बनवाना है तो वो भी बना के दे देते हैं। यहाँ पे भी सारी प्लेट्स हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइव व्लॉगिंग, क्योंकि जो चीजें मैंने वहां पे देखी साथ साथ उनके नाम पढ़ के मैंने आपको बता दिए थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके नाम मुझे आते नहीं है। तो आप वो वाला सारा कुछ देख लें और आपको उसमें से नाम भी पता चल जाएंगे। अच्छा, वो चीजों के नाम ना मुझे पहले आते थे ना मुझे बाद में याद रहे हैं, तो आपको वो मैं सारी लाइव व्लॉगिंग ही दिखा देती हूँ। And this full with vegetable. Okay. And this is Indian dal. This is baked beans. And there we have some rice. There have some paratha. वेजिटेबल करी, लीवर, दिस इज लीवर, ओके, देयर ओनली एग्स, देयर हैव सम स्टफ्ड बीफ सॉसेजेस एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, हैश ब्राउन, दिस इज हैश ब्राउन, ओके, कम हेयर बिलाल। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया, सो लेट्स कम हेयर एंड दीज आर सम ब्रेड, ओके, एंड हेयर सम Danish. And this is I don't know, Ali. This is Ali. Brown bread, white bread, donuts. Lal, mera bag na phenk dena. And this is also cinnamon Danish. Okay, fruit Danish. Okay, dates and these. More other things. This is, I think, jelly, strawberry jelly. Yes. Okay. Mixed fruit salad. Okay. We will take a picture. Come here. We will take a picture. Okay. इधर से बाल, ये इधर से ले। Yes.
ओके सो वी विल टेक अ फुल राउंड टूर। So yes, this is shape for desert. So yes guys, I've hit all the areas and now I'm here. So I will show you a very beautiful view. मेरी प्यारी सहेलियों, सबसे पहले मैंने आपको सारी डिशेस दिखा दी हैं। इनमें हमें तो समझ नहीं आ रहा था हमने खाना क्या है, हमें कुछ भी इसमें से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको पता है हम देसी लोग हैं, सुबह सुबह पराठे रोटी सालन ये वाली चीजें खाने वाले हैं। ये इतने अंग्रेजी नाश्ते हमारे हलक से नीचे उतरते नहीं है, जो मर्जी कर लो, हमें तो सुबह सुबह रोटी पराठा चाहिए होता है, साथ कोई सालन मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, साथ हमें चाय मिल जाए तो वाह वाह क्या ही बात है। अच्छा खैर, फिर हमने हाथ वगैरह धोए, फिर हमने बच्चों को भी हाथ धुलवाए, मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना। साढ़े भाई जान तो मैंनू बड़ी हैरत आंदी, बुकिंग करवा लेंदे, लश्के पशके सारे पूरे कर लेंदे, लेकिन इन्हां नू इन्नी शर्म आंदी है ना कि उठ के खुद इन्हां ने खाना भी नहीं लेना हुंदा। मैनू कहंदे जा मैनू थोड़े जे दाल चावल लिया दे। जिंदगी में पहली दफा इनको मैंने ऐसे दाल चावल खाते हुए देखा, मैंने कहा होर भरो इन्ने पैसे, खाना तो तुसी यही कोशिश ही ना, तुहानू जदों पता ही है कि साढ़े हिसाब दी इत्थे कोई चीज है ही नहीं तो फिर तुसी बुकिंग क्यों करवाई सी। अच्छा मैंने इनको दिए दाल चावल, बच्चों ने थोड़े से कपकेक्स लिए, बच्चे ये खा रहे थे, और मैंने लिए सबसे पहले अपने लिए फ्रूट्स। मैंने सोचा मैं सबसे पहले फ्रूट खाकर थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी अपने लिए पोर्शन ले लूं, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या लेना है। साथ मैंने थोड़े से जूस वगैरह भी रखे थे, एक इनके लिए एक अपने लिए। मुजना को यहाँ पे नजर आ गए थे बॉयल एग, मैंने कहा चलो आप ये खा लो, ये बहुत शौक से खाती है ना, ये कह रही थी मैंने खुद ही छीलने हैं और मैंने खुद ही खाने हैं। अच्छा ये बड़े मजे से खा रही थी। इसके बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़े से दाल चावल लिए, बिलाल को भी दाल चावल दिए, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सुबह ये ब्रेड्स और ये चीज वगैरह और इसके अलावा ये जितनी भी जैम्स वगैरह पड़ी है ना कुछ भी नहीं खाते। सुबह सुबह वैसे भी इनको खाने की आदत नहीं है और ऐसी चीजें तो ये बिल्कुल ही नहीं ना खाते, तो इसलिए बस हमें अपने हिसाब से यही एक इंडियन दाल चावल जो थे ना यही अच्छे लगे तो हमने यही खाए। वैसे बहुत मजे के थे, सुबह सुबह जिसका नहीं भी दिल करता ना दाल चावल खाने का, ऐसे दाल चावल मिले तो वो भी खा लेगा। यहाँ देखें ये बहुत खूबसूरत सा रेड रोज है। हमने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर हम लोग ना दोबारा से आए थे स्विमिंग पूल जाने के लिए। ये देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन की हुई है। ये है सारा एक्सरसाइज का एरिया, यहाँ पे लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे है एक और सिटिंग एरिया, और ये देखें कितनी प्यारी डेकोरेशंस की हुई है ना, जहां जहां आप जाओगे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें नजर आएंगी और देख के आपको बहुत मजा आएगा। अभी हम लोग आ गए थे स्विमिंग पूल में, ये देखें जी बड़ों के नहाने के लिए अलग जगह है, बच्चों के नहाने के लिए अलग जगह है, और ये देख के तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे बच्चे, क्योंकि इनको ना सबसे ज्यादा शौक है नहाने का। बाथ टब में भी नहाना है, स्विमिंग पूल में भी नहाना है, बीच पे भी नहाना है, बस नहा नहा के आज हमने आधे हो जाना है। यहाँ पे आते ही इन लोगों ने कहा कि बस हमें चेंज करवाओ और हमने बस फिर नहाना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आपको बड़े मजे की दिखाती हूँ, ये देखें जी ये भी है बाथटब, यहाँ पे आप अपने दो बच्चों के साथ नहा सकते हैं, चार लोग आप आराम से पूरे आ सकते हैं। इतने बड़े बड़े थे ना, शायद वीडियो में इतने सही पता नहीं चल रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बाथटब थे ये। यहाँ पे आपको मसाज वगैरह भी मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टीम रूम भी मिलेगा जहाँ पे आप स्टीम ले सकते हैं, यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं, चेंज करना हो अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्विमिंग पूल में जाने से पहले अगर आपने अपने ड्रेसेस, मोबाइल, गाड़ी की चाबी, वॉलेट वगैरह ये सारी चीजें कहीं रखनी है तो उसके लिए आपको ये देखें ऐसे लॉकर्स दिए जाते हैं जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगी। आपने जहां अपना सामान रखा है वो नंबर याद रखना है और चाबी अपने पास रखनी है, वापसी आके आप वहीं से अपना सामान ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखें ये चेंज करने के लिए ये सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं छोटे छोटे से, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, अभी मैं इनको देखूंगी स्विमिंग करते हुए। यहाँ पे देखें जी बच्चे अपने छोटे वाले स्विमिंग पूल में चले गए हैं जहाँ पे बच्चे नहाते हैं,
और ये देखें इतना इतना पानी है कि बस मुसना के सीने तक पानी आ रहा था। और मुसना बहुत खुश हो रही थी कि यहाँ पे अब मर्जी से मैं घूमूंगी, मजे से इंजॉय करूंगी। और ये अपने बाबा को भी हिलने नहीं दे रही थी, ये कह रही थी कि आपने बड़े वाले स्विमिंग पूल में नहीं जाना, आपने मेरे पास ही रहना है। उनका बड़ा दिल कर रहा था कि मैं दूसरे वाले स्विमिंग पूल में जाऊं और वहां जाके स्विमिंग करूं, लेकिन ये मुसना नहीं जाने दे रही थी। इसने अपने बाबा को काबू करके रखा हुआ था और इतने खुश हो रहे थे ना, बाबा को साथ अपने बिठा के कह रहे थे कि नहीं आप हमारे साथ ही खेलो। अच्छा ये देखें जी, आपको एक और मजे की चीज दिखाती हूँ। जब हम रूम में आए हैं ना, तो ये सामने मैंने वही वाला ब्रिज देखा है, ये वही वाला रोड है जहां से हम लोग बहरीन जाते हैं। जब हमने दादाबू को एग्जिट करवाना था ना, तो हम इसी रोड से गए थे। ये पूरा समंदर के ऊपर ऊपर है, लेकिन जैसे मैं कैमरा थोड़ा और जूम करती हूँ तो विंडो में जितना भी कचरा है ना, ये सारा नजर आने लग जाता है। बस इतना ही जूम कर सकी थी मैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और जी इसके अलावा आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको और बड़े मजे की चीजें दिखाऊंगी। चलें जी, अपना ख्याल रखियेगा, मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। और व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट्स में आपने जरूर बताना है जी। अल्लाह हाफिज।